ओके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट फॉर सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर. ठीक है, आपने एक लॉन्ग कंडक्टिंग वायर लिया हुआ है, ये बेसिकली ये लॉन्ग कंडक्टिंग वायर, आपने एक सर्कुलर लूप में इसको कंडक्ट किया. ठीक है, लेट्स से ये करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है, इसको आपने सर्कुलर लूप का अंजाम दिया. सो यू हैव बेसिकली गिवन इट अ सर्कुलर शेप. ठीक है, गिवन इट अ सर्कुलर शेप लाइक अ एक करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है जिसको आपने सर्कुलर लूप में कन्वर्ट किया. एक कार्डबोर्ड एंड एक होल्स, तो आपने बचा इस लूप को इसके अंदर से डाला और इस लूप को इसके अंदर से. ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? ये आपका सर्कुलर लूप है, आपने वायर को इसके अंदर से इंसर्ट करके ऐसे निकाला है, एक सर्कुलर लूप क्रिएट किया है और कार्डबोर्ड में दो होल्स हैं. ठीक है, नाउ लेट्स से यू हैव कनेक्टेड इट टू अ, ये आपका रियोस्टेट है, मतलब आप यहाँ पे रेजिस्टेंस को ऊपर नीचे कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज बेसिकली योर वोल्टेज सप्लायर और ये आपका एम्पीयर करंट. ठीक है, जा रहा है. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन If you, आप यहाँ पे अगर कुछ आयरन के पीसेस को चूड़े, मतलब आयरन का चूड़ा अगर आप छिड़कते तो क्या होगा? देखो यहाँ पे कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है, आप मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिटरमिन करते हैं? तो राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, ये आपका थंब है और ये आपका बचा, तो आपके यहाँ पे ऐसे फील्ड बन जाएगी. ठीक है, इधर आते वक्त करंट कैसे आ रहा है? ऐसे, तो आप राइट हैंड थंब रूल को ऐसे लगाएंगे. ठीक है, तो इधर आपका कैसे होगा? ऐसे. तो दोनों भी ऑपोजिट डायरेक्शनल आपके मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट हो जाएंगे. जस्ट राइट हैंड थंब रूल अगर आप लगाएंगे तो इधर इनर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और इधर वैसा इस सर्कुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा. हालांकि दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी. ठीक है, व्हाई विल देयर इंटेंसिटीज बी द सेम? यहाँ पे इंटेंसिटीज आपके सेम क्यों होंगे? क्योंकि करंट जो है वो सेम दौड़ा. ठीक है, सो आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर में आपने यहाँ पे होल्स में डाला हुआ है इसको. ठीक है, दिस इज बेसिकली अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यहाँ पे आपने होल्स में डाला हुआ है, ये ऐसे जा रहा है. तो इधर जो है अगर आप राइट हैंड टर्म रूल लगाते हैं, इफ यू बेसिकली प्लेस द राइट हैंड टर्म रूल इन देयर, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करंट जा रहा है, तो करंट का अनसर्कलिंग ऐसे होगा और यहाँ पे भाई साहब करंट ऐसे आ रहा है, तो दिस इज लाइक दिस, तो करंट का अनसर्कलिंग ऐसे होगा. सो बोथ दीज टू फील्ड्स दैट विल बी क्रिएटेड विल बी ऑपोजिट इन डायरेक्शन, विच मींस दैट एक अगर नॉर्थ पोल होगा तो दूसरा ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? साउथ पोल. ठीक है, ओके, सो लेट्स डू दिस हियर. यहाँ पे आपका करंट हो गया. ठीक है, ओके, सो आपने अगर कुछ आयरन पीसेस को यहाँ पे रख दिए, ये आयरन के चूड़े हैं. ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई साहब? दे विल ऑल कलेक्ट, आपको दिखेगा कि ऐसे फील्ड्स बन गए. अभी यहाँ पे आपने राइट हैंड टर्म रूल लगाया, यहाँ पे आपने राइट हैंड टर्म रूल लगाया, तो इधर का मैग्नेटिक फील्ड मतलब आपका एक क्रिएट होगा नॉर्थ और दूसरा क्रिएट होगा साउथ. ठीक है, नॉर्थ साउथ फील्ड भाई साहब क्रिएट हो जाएंगे आपके. ठीक है, सो इस तरह से अगर आप देखोगे एक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. अभी यहां पे देखो इस चीज को हम यहां पे कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये एक वेरिएबल रेजिस्टर है. ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टर, अगर इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो इसका करंंट इंक्रीज होगा. समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पे वोल्टेज को हमने ऊपर नीचे नहीं किया है, वोल्टेज को सेम रखा है. अगर हम रेजिस्टेंस को ऊपर नीचे करते हैं तो आपका करंट क्या होगा भाई साहब? अगर रेजिस्टेंस को आपने कम किया तो करंट ज्यादा होगा, अगर आपने भाई साहब रेजिस्टेंस को ज्यादा किया तो करंट कम हो जाएगा. इसी को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस. दिस इज नोन एज वेरिएबल रेजिस्टेंस और रेहोस्टैट. इसको अपन क्या बोलते हैं? रेहोस्टैट. वेरिएबल रेजिस्टेंस और रेहोस्टैट. तो इस रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करने से आपका जो करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है वो कम ज्यादा हो सकता है, और करंट जब कम ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम ज्यादा होगी. मैग्नेटिक फील्ड के साथ करंट की डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की करंट के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, इसको लिख लीजिए. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. आप देखोगे कि जैसे जैसे आप करंट को बढ़ाते जाओगे, यहां पे करंट बढ़ाने का जरिया क्या है? रेजिस्टेंस को कम करना. ठीक है, जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये फील्ड जो है वो और डेंस होती जाएंगी, और ज्यादा जो आयरन का चूड़ा है वो भाई साहब इधर अट्रैक्ट होगा. समझ में आ रहा है? ये आयरन के चूड़े बिखरे पड़े हैं इस कार्डबोर्ड शीट में. जैसा जैसा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता जाएगा, आयरन के चूड़े भाई साहब और ज्यादा इकट्ठे होते जाएंगे. द मोर ऑफ आयरन विल कलेक्ट एट दीज फील्ड्स. क्या ये समझ में आ रहा है? अभी फिर से वहीं पे बैठना है और फिर से वही तकलीफ होगी कि दिख नहीं रहा है. धक्का मार के भी पब्लिक को सिर्फ एक एक दो दिन ही बैठाया जा सकता है, बाकी दे विल चूज. ओके, मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके. सो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. अभी जैसे जैसे भाई साहब आपका रेडियस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड घटता जाएगा. ठीक है, तो रेडियस जैसे जैसे भाई साहब बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड
घटता जाएगा। आर वी क्लियर? ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस, तो इन दोनों को नोट कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, सो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ठीक है, क्लियर है? तो रेडियस मतलब जितना दूर आप जाते जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। ठीक है, जितना पास आप आते जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। क्लियर है? ओके ओके ओके। मैग्नेटिक फील्ड फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस, अभी आप देखो जैसे मैग्नेटिक फील्ड लुक्स लाइक अ बटरफ्लाई फॉर अ बार मैग्नेट। ठीक है, फॉर अ बार मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लुक्स लाइक अ बटरफ्लाई। तो एक बार मैग्नेट के लिए आपका मैग्नेटिक फील्ड विल लुक लाइक अ बटरफ्लाई। ठीक है, ओके। तो आपने मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर, अगर आपने स्ट्रेट कंडक्टर लिया है, स्ट्रेट कंडक्टर फील्ड इज अ कॉन्सेंट्रिक सर्किल, तो आपके स्ट्रेट कंडक्टर में ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे। ठीक है, एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैसा लगेगा भाई साहब? बटरफ्लाई। ठीक है, इसको लिख लीजिए भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड लुक्स लाइक अ बटरफ्लाई फॉर अ बार मैग्नेट। इसको लिख लीजिए फटाफट फटाफट, मैग्नेटिक फील्ड लुक्स लाइक अ बटरफ्लाई फॉर अ बार मैग्नेट। ठीक है, डन डन डन, ओके। फॉर अ, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर, एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा भाई साहब? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर फील्ड इट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो आपका भाई साहब देखो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर कॉयल है ये। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड इज अ सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एट एवरी पॉइंट। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। दिस इज अ सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एट एवरी पॉइंट, ऐसे एक के बाद एक। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब क्या होते हैं? ठीक है, जिनका सेंटर, व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मींस जिसका सेंटर सेम हो, सेंटर इज सेम और रेडियस इज डिफरेंट, रेडियस डिफरेंट। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब सेंटर सेम एंड रेडियस डिफरेंट। Are we clear? Magnetic field is a set of concentric circles at every point. Center field looks like a straight line. Okay? Can I create the effect of a bar magnet by passing current? So answer is yes. Okay? So magnetic field due to a current through a circular loop. आपका भाई साहब एक circular loop है. ठीक है? ये एक circular loop है. Magnetic field is in the form of concentric circles. तो आपका magnetic field क्या है भाई साहब? In the form of concentric circles. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, इन द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड अपियर स्ट्रेट, इन द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपियर स्ट्रेट। तो आपके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा, देखो यहां पे सेंटर में ये वाला एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, इस तरह से आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो गया और सेंटर में जो होगा मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इसको लिख लीजिए। एंड इन द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपियर टू बी स्ट्रेट। ठीक है, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट।
इन सेंटर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ, सो ये आपका भाई साहब सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स अपीयर टू बी स्ट्रेट, तो ये आपका स्ट्रेट अपीयर होगा, ठीक है, ओके। द राइट हैंड, द राइट हैंड रूल हेल्प्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनॉइड, अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। सोलेनॉइड भाई साहब ऐसा होता है, देखो दिस इज बेसिकली बहुत सारे ऐसे ऐसे टर्न्स रहेंगे, दिस इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होगी, देखिए समझिए इस चीज को, ठीक है। अभी अगर मैं इस सोलेनॉइड को इधर से देख रहा हूं, ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है। सो लेट्स से आई एम व्यूइंग दिस सोलेनॉइड फ्रॉम हियर, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अभी आपका भाई साहब यहां पे करंट कैसे दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है। सो ये जा रहा है भाई साहब ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रहा है। जब ऐसे जा रहा है तो राइट हैंड थंब रूल निकालिए भाई साहब, आपका करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना यहाँ पे ऐसे। सो दिस इज गोइंग लाइक दिस, ठीक है। एक्चुअली में कैसा होता है, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये एस, देखो ऐसा, ये एस ऐसे जा रहा है ना, ये आपका साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप किधर से देख रहे हो, इधर से, लेट्स से करंट इधर एंट्री हो रही है और ऐसे जा रही है, करंट इधर एंट्री हो रही है, आप इधर से देख रहे हो इसको, तो ये क्या क्रिएट हो जाएगा, साउथ पोल, ठीक है। इधर से अगर आप देखोगे तो कैसे दिखेगा भाई साहब, अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो ये वाली चीज कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी कहीं नहीं, ठीक है। इट विल लुक लाइक दिस, कि आपका करंट भाई साहब ऐसे जा रहा है। भाई देखो एक साइड से अगर ऐसे दिख रहा है तो दूसरे साइड से उल्टा दिखेगा, है ना। अगर मैं इधर से व्यू करने की कोशिश करूं इसको तो द करंट विल लुक लाइक दिस, तो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो एक डायरेक्शन के लिए आपका देखो ये इस डायरेक्शन में अगर मैंने ड्राइव किया तो ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, दिस इज बेसिकली द नॉर्थ पोल। एक डायरेक्शन के लिए साउथ पोल क्रिएट हो रहा है, दूसरे डायरेक्शन के लिए नॉर्थ पोल क्रिएट हो रहा है, ऐसा हर एक लूप में हो रहा है। तो इस साइड में साउथ पोल क्रिएट हो रहा है, इस साइड में नॉर्थ पोल, इस साइड में साउथ पोल, इस साइड में नॉर्थ पोल, इस साइड में साउथ पोल, इस साइड में नॉर्थ पोल। तो ऐसे करते करे सारे साउथ पोल्स को अगर हम जोड़ते जाएं और ऐसे करते करते सारे नॉर्थ पोल्स को अगर हम जोड़ते जाएं तो आपका भाई साहब इस साइड में एक प्रॉपर नॉर्थ पोल हो गया और इस साइड में आपका एक प्रॉपर साउथ पोल हो गया। छोटे छोटे टुकड़ों में भाई साहब क्या हो रहा है, हर एक में साउथ पोल इस तरफ है तो आपका टोटल साउथ पोल इधर आ जाएगा, हर एक में नॉर्थ पोल इस तरफ है तो आपका टोटल नॉर्थ पोल इस तरफ आ जाएगा। तो आपका बार मैग्नेट कैसे दिखेगा, नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है। दिस विल बिहेव एज अ बार मैग्नेट, ठीक है। तो सो लॉन्ग एज करंट इज पासिंग थ्रू अ सोलेनॉइड, करंट जब तक भाई साहब पास कर रहा है किसमें से, सोलेनॉइड से, तब तक भाई साहब इट विल बिहेव एज अ बार मैग्नेट, इट विल बिहेव एज अ बार मैग्नेट, ठीक है। अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। ये भाई साहब एक सिलेंडर के टाइप में है, तो आपका देख लो यहां पे ये सोलेनॉइड हो गया, ये आपका करंट जा रहा है। देखो करंट कैसे भी जा सकता है, हो सकता है नॉर्थ पोल इधर क्रिएट हो और साउथ पोल इधर, हो सकता है साउथ पोल इधर क्रिएट हो और नॉर्थ पोल इधर, डिपेंड करता है कि आप जब इस तरफ से देख रहे हैं तो करंट कैसे दिख रहा है आपको। आप इस तरफ से देख रहे हैं देखो ऐसे, तो करंट अगर ऐसे जा रहा है, ठीक है, करंट अगर ऐसे जा रहा है भाई साहब तो दिस विल बेसिकली क्रिएट अ नॉर्थ पोल, और अगर आप इस तरफ से देख रहे हो करंट ऐसे जा रहा है तो इट विल बेसिकली क्रिएट अ साउथ पोल। तो एक पोल आपका नॉर्थ हो जाएगा और एक पोल आपका साउथ हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन विच डायरेक्शन द करंट इज फ्लोइंग, दिस इज नोन एज अ सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड में क्या होता है, आपका एक वोल्टेज सोर्स होता है, ऑब्वियसली एक की होता है, और क्योंकि इसमें से करंट जा रहा है इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ बार मैग्नेट, ठीक है। ये एक बार मैग्नेट की तरह होता है, लेकिन बार मैग्नेट में और इसमें फर्क क्या है, एनीवन, व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन अ बार मैग्नेट एंड अ सोलेनॉइड व्हिच बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट, व्हाट विल बी द डिफरेंस, बोलो भाई साहब जल्दी जल्दी। बार मैग्नेट जो है उसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, इट विल बिहेव एज अ मैग्नेट नो मैटर व्हाट एवर द कंडीशन इज। यहां पे जब तक इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी को स्विच ऑफ कर दिया इट विल स्टॉप बिहेविंग एज अ मैग्नेट, ठीक है। सो ये आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, दिस इज ऑल्सो नोन एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो व्हाट डू यू मीन बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, द विच विल बिहेव एज अ मैग्नेट, विच विल बिहेव एज अ मैग्नेट ओनली टिल द टाइम इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू इट। इट विल बिहेव एज अ मैग्नेट ओनली टिल द टाइम इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू इट। क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहां पे जा रहा है करंट, ठीक है। सो दिस इज करंट, दिस इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल विच हैज बीन क्रिएटेड। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसे आपके मैग्नेट में होता है वैसे आपके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका नॉर्थ साउथ पोल क्रिएट हुआ है और ये आपके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हो गए, दीज आर बेसिकली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है।
अ कॉइल मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर इज नोन बेसिकली अ सोलेनॉइड। ठीक है, इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, व्हाट इज अ सोलेनॉइड? Are we clear on this one, people? A coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped in the shape of a cylinder. ये बस अब एक सिलेंडर की तरह हो गया। मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। देखो यहां पे आपने देखा कि हर एक कॉयल एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, जिसका नॉर्थ और साउथ, ये वाला कॉयल नॉर्थ और साउथ, ये वाला कॉयल नॉर्थ और साउथ। सो ईच एंड एवरी लूप इज बेसिकली बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। तो इसका मतलब जितने सारे लूप्स होंगे उतने सारे मैग्नेटाइजेशन ऐड होते जाएंगे, है कि नहीं? ठीक है, मोर द नंबर ऑफ लूप्स द मोर नंबर ऑफ एडिशंस विल हैपन, तो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड आपके नंबर ऑफ टर्न से बढ़ता जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द कॉइल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कॉइल, इसको लिख लीजिए भाई साहब। मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। आप अगर करंट को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, अगर आप करंट को कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स को आप स्मॉल एन या कैपिटल एन से डिनोट कर सकते हैं। अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ठीक है, अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स को घटाया तो आपका मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। ठीक है, नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल, रिमेफर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कॉइल। भाई अगर आपसे समझो एक छोटा सा कॉइल लिया ऐसा, ठीक है, और आपने भाई साहब एक बड़ा सा कॉइल लिया, तो किसका रेडियस ज्यादा हुआ? इसका रेडियस ज्यादा हुआ, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगा, क्योंकि आपका जो है डिस्टेंस जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, रेडियस बढ़ गया है, समझ में आ रहा है? एक कॉइल आपने ऐसा लिया और एक कॉइल आपने ज्यादा बड़े रेडियस का ले लिया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। इफ यू इंक्रीज द रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज, इफ यू डिक्रीज द रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड वुड इंक्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, सो दीज आर द थ्री थिंग्स दैट वी हैव टू पे अटेंशन टू। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कॉइल। इसीलिए किसी कॉइल को अगर आपको सोलेनॉइड में यूज करना है तो आपको छोटा रेडियस लेना पड़ेगा। बड़ा सा एक भाई साहब सोलेनॉइड आपने ले लिया तो उसमें आपका मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा डाई आउट हो जाएगा। इट्स नॉट दैट इट विल नॉट बिहेव एज अ मैग्नेट, बट टेकिंग अ बिगर रेडियस वुड मेक श्योर दैट द मैग्नेटिज्म डाइज आउट। ठीक है, तो इसीलिए यू हैव टू टेक अ शॉर्टर कॉइल, मतलब जिसका रेडियस कम हो, ऐसा कॉइल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम नोट कर लिया भाई साहब? ठीक है, ओके। So what does parallel lines of force inside the solenoid indicate? भाई साहब देखो, अगर आप बार मैग्नेट लेते हो तो बार मैग्नेट में भी क्या होता है? पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्स होता है इनसाइड द बार मैग्नेट। तो सोलेनॉइड इज बेसिकली बिहेविंग लाइक अ बार मैग्नेट, बिकॉज इनसाइड अ बार मैग्नेट यू विल ऑलवेज हैव पैरेलल लाइंस ऑफ मैग्नेटिक, पैरेलल मैग्नेटिक लाइंस, और एक सोलेनॉइड के अंदर भी है। इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर। तो मतलब आपका जो इंटेंसिटी है एक सोलेनॉइड के अंदर ये यूनिफॉर्म है, मतलब यहां पे आप बोल नहीं सकते कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा या कम है। इनसाइड अ सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। हाँ, बाहर आएंगे तो जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, जैसे जैसे आप दूर होते जाएंगे
मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। जैसे अगर आप एक बार मैग्नेट में देखोगे, द मैग्नेटिज्म इज हाईएस्ट एट द पोल्स, सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म आपको कहां मिलता है, एट द पोल्स, तो आपका यहां पे मैग्नेटिज्म सबसे स्ट्रांग होगा। ठीक है, सो इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। ठीक है, क्लियर है? तो सोलेनॉइड ड्रॉ 11 लाइंस एट अ डिस्टेंस ऑफ, तो आप भाई साहब यहां पे इरेज द कॉर्नर्स एंड ब्रिंग इट यूनिफॉर्मली, तो आपने भाई साहब ऐसे सोलेनॉइड ड्रॉ कर लिया। दिस इज हाउ यू विल बेसिकली ड्रॉ अ सोलेनॉइड। ठीक है, जनरली हम जब डायग्राम्स में सोलेनॉइड को बनाते हैं तो ऐसे 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 भाई साहब कोई कम रेडियस बड़ा रेडियस ऐसा हो जाता है। तो अंडरस्टैंड कि आप पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लीजिए यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे और इसको भाई साहब एक तार से ऐसे लपेट दीजिए तो ये आपका सोलेनॉइड बन जाएगा। ठीक है, दिस विल बेसिकली फॉर्म अ सोलेनॉइड। ठीक है, ओके, अभी आप इसको भाई साहब नॉर्थ साउथ पोल दे दीजिए। ठीक है, दिस विल बी नॉर्थ साउथ पोल। ओके, नाउ कनेक्ट टू द बैटरी, तो ये आपका सोलेनॉइड बन गया। आपने यहां पे नॉर्थ और साउथ लिखा है, आप यहां पे नॉर्थ और साउथ भी लिख सकते हैं सोलेनॉइड में। यू कैन बेसिकली राइट नॉर्थ साउथ हियर एज वेल। ठीक है, ओके, कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड अ प्लग की, तो आपने भाई साहब इसको कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी और प्लग की में। ठीक है, एक बैटरी और प्लग की में। व्हाट इज अ सोलेनॉइड, कंपेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सोलेनॉइड विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। क्या क्या कंपैरिजन में बोल सकते हैं भाई साहब, बताइए। अभी बताया मैंने आपको, एक सोलेनॉइड है क्या, एक सोलेनॉइड मतलब रिपीटेड टर्न्स ऑफ अ कॉइल से आप बना रहे हैं एक सोलेनॉइड। तो अगर मैं यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है एक सोलेनॉइड से और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है एक मैग्नेट से, उसके बारे में आपसे डिफरेंसेस पूछूं तो क्या हो सकता है? हाँ बोलो, हाँ सही बोल रहे थे शायद, बोलो। अरे तू ही तो बोल रहा था। हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड इज बेसिकली इन इलेक्ट्रोमैग्नेट, और बार मैग्नेट में क्या डिफरेंसेस हो जाएंगे? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, बार मैग्नेट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेट कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में जितना ज्यादा करंट डालेंगे उतना ज्यादा वो स्ट्रांग हो जाएगा। बार मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है उसको आप वेरी नहीं कर सकते, इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को आप वेरी कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं कम कर सकते हैं आपके सुविधा अनुसार। ठीक है, कितना आपको मैग्नेटिज्म चाहिए, अगर आपको भाई साहब मैग्नेटिज्म को बढ़ाना है तो किन किन चीजों से आप बढ़ा सकते हैं, अगर आपको मैग्नेटिज्म को बढ़ाना है तो किन किन चीजों से बढ़ा सकते हैं? शरायु, इलेक्ट्रोमैग्नेट में अगर मैग्नेटिज्म को बढ़ाना है तो किन किन चीजों से बढ़ा सकते हैं? पांडे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं करंट बोलेंगे हम, करंट से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने करंट बढ़ाया तो मैग्नेटिज्म बढ़ेगा, और किस चीज से बढ़ा सकते हैं? नहीं, रेडियस से कम हो जाएगा, जितने रेडियस को आप बढ़ाएंगे तो वो आपका कम हो जाएगा, और क्या, नंबर ऑफ टर्न्स, एन आई ए, एन को याद रखिए, जितना नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे उतना आपका मैग्नेटिज्म बढ़ेगा, आई जितना आई बढ़ाएंगे उतना आपका मैग्नेटिज्म बढ़ेगा, ए ए मतलब जितना आप बढ़ाएंगे उतना आपका मैग्नेटिज्म कम हो जाएगा, एरिया मतलब बेसिकली रेडियस। ठीक है, तो रेडियस को जितना बढ़ाएंगे उतना आपका कम होता जाएगा। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है या जो सोलेनॉइड है उसके मैग्नेटिज्म को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, यू कैन बेसिकली ऑल्टर द मैग्नेटिज्म, बट इन केस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट यू कैन नॉट डू सो, उसका फिक्स्ड है, इट इज गोइंग टू रिमेन द सेम। आर वी ऑन द सेम पेज? ठीक है, सो व्हाट इज अ सोलेनॉइड, अ सोलेनॉइड इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मोर ऑर लेस। और अगर हम भाई साहब बात करेंगे बार मैग्नेट और सोलेनॉइड का, तो बार मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, सोलेनॉइड के मैग्नेटिज्म तब तक ही रहेगी जब तक भाई साहब उसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, द मोमेंट यू शुड स्विच इट ऑफ इट विल सीज टू बी अ मैग्नेट। ठीक है, जैसे आपके कॉलिंग बेल्स में, आपका जो घर पे कॉलिंग बेल है उसमें भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट ही काम करता है, तो एक सोलेनॉइड होता है, ऐसा हॉर्स शू मैग्नेट रहता है उसमें आपका सोलेनॉइड ऐसे, तो जैसे ही किसी ने इलेक्ट्रिक बेल दबाया तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ये फट से इधर आ जाएगा तो बेल बजेगा। ठीक है, जैसे ही वो बेल छोड़ देगा वो फिर से वापस चला जाएगा। अगर ये परमानेंट मैग्नेट होता तो क्या होता था, ये हर समय बेल बजता रहता था आपका, कोई आपका स्विच ऑन करे या ना करे वो बेल आपका हर समय बजता रहेगा। तो यू हैव अ स्प्रिंग स्विच, आपने देखा होगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक बेल होता है वो एक स्प्रिंग स्विच होता है, जैसे आप उसको दबाएंगे तो दिस विल बी बेसिकली एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये एक सोलेनॉइड की तरह बिहेव करेगा और सामने जो है वो आयरन स्ट्रिप को ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ये आयरन स्ट्रिप जाके आपके म्यूजिक सिस्टम पे हिट करेगा और म्यूजिक बजने लगेगा। ठीक है, द मोमेंट आपने इसको छोड़ दिया तो ये वापस चला जाएगा। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली बिकॉज यू डोंट नीड द बेल टू बी रिंगिंग ऑल द टाइम, है कि नहीं? अगर भाई साहब किसी ने 3-4 बार बेल दबा दिया तो आप मतलब
उसको पहले तो धोएंगे, ऐसा है ना, मतलब निकल के अगर वो कोई जान पहचान का हुआ तो अलग बात है, लेकिन अगर जान पहचान का नहीं हुआ तो आप तिंगना जाएंगे, मतलब इतनी जोर से म्यूजिक बन रहा है, अनवांटेड एक म्यूजिक बज रहा है, ठीक है। तो ये हमको मतलब जितना देर बेल बजेगा उतने देर ही हमको म्यूजिक चाहिए, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ सोलेनॉइड। सो व्हाट इज अ सोलेनॉइड? व्हेन कॉपर वायर विद अ रेजिस्टिव कोटिंग, एक कॉपर वायर को भाई साहब आपने रेजिस्टिव कोटिंग, इज वाउंड इन अ चेन ऑफ लूप्स लाइक अ स्प्रिंग, इट इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड। इसको लिख लीजिए भाई साहब, व्हेन अ कॉपर वायर, एक कॉपर वायर को रेजिस्टिव कोटिंग, मतलब उसके आजू बाजू प्लास्टिक कोटिंग है, एक कॉपर वायर है उसके आजू बाजू प्लास्टिक कोटिंग है, इज वाउंड इन अ चेन ऑफ लूप्स, तो एक वाउंड इन अ चेन ऑफ लूप्स है लाइक अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग की तरह, उसको अपन बोलेंगे सोलेनॉइड। डन डन, ओके। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस इन इट। जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट आई को पास करेंगे आपके सोलेनॉइड में, भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। इसको भी लिख लीजिए भाई साहब, सोलेनॉइड में, ठीक है, ओके। द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर सिमिलर टू द लाइन्स ऑफ अ बार मैग्नेट। तो जैसा भाई साहब एक बार मैग्नेट में होता है वैसे ही आपके मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होते हैं, किसमें? सिमिलर टू दोस ऑफ अ बार मैग्नेट। द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इन अ सोलेनॉइड, रो मत लिख, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इन अ सोलेनॉइड आर सिमिलर टू द लाइन्स ऑफ अ बार मैग्नेट। The magnetic lines of force are similar to that of a bar magnet. Solenoid has all properties of the field produced by a bar magnet. तो एक बार मैग्नेट का जो भी प्रॉपर्टीज है, अभी बार मैग्नेट का क्या प्रॉपर्टी है कि भाई साहब अगर एक बार मैग्नेट को आप एक धागे से बांध कर छोड़ देते हैं, इट विल ऑलवेज एडजस्ट इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सो सोलेनॉइड का भी वही प्रॉपर्टी है, अगर एक सोलेनॉइड को आपने बांध कर छोड़ दिया, इट विल ऑलवेज एडजस्ट इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। बार मैग्नेट का मैक्सिमम मैग्नेटिज्म कहां पे है? एट द पोल्स। और मिनिमम मैग्नेटिज्म कहां पे है भाई साहब? ऑन द साइड्स, ठीक है। वन एंड ऑफ द कॉइल एक्ट्स एज अ साउथ पोल व्हाइल द अदर एंड एक्ट्स एज अ नॉर्थ पोल, ठीक है। सो एक भाई साहब एंड होगा जो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा और दूसरा एंड आपका नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा फॉर अ सोलेनॉइड। डन डन डन, जल्दी जल्दी। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, एक टेम्पररी मैग्नेट होता है, ठीक है, और एक होता है भाई साहब आपका परमानेंट मैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट मतलब, ठीक है, लिफ्टिंग स्क्रैप आयरन। तो आपके दो टाइप के मैग्नेट्स होते हैं, एक होते हैं टेम्पररी मैग्नेट और एक होते हैं भाई साहब परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट्स और टेम्पररी मैग्नेट्स कौन होते हैं भाई साहब? जिसमें आप जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब तक ही भाई साहब ये चलेगा, ठीक है। टिल द टाइम यू आर बेसिकली पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ओनली टिल दैट टाइम इट विल बिहेव एज अ मैग्नेट। समझ में आ रहा है भाई साहब? टेम्पररी मैग्नेट मतलब सोलेनॉइड वाला मैग्नेट हो गया। जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब तक ही वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर देंगे, इट विल स्टॉप बिहेविंग एज अ मैग्नेट।
परमानेंट मैग्नेट क्या हो जाएगा, दीज आर बेसिकली सॉलिड मैग्नेट्स, ठीक है, हैवी मैग्नेट्स होते हैं और इनका इलेक्ट्रिसिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वेदर यू कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आपका देखो एक यूज क्या हो गया आपका, स्क्रैप आयरन, ठीक है, भंगार में से जब आप आयरन को निकालते हैं, क्योंकि आयरन एक यूजफुल मेटल है और इस मेटल को आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, इस मेटल को आप पिघलाकर फिर से दूसरा मेटल तैयार कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज बेसिकली अ, ये आपका अगर स्क्रैप में से आप आयरन निकाल रहे हैं, ठीक है, ये स्क्रैप है और इसमें से आप अगर आयरन निकाल रहे हैं, सो ये आयरन को आप मेल्ट करके आगे बना सकते। तो अभी इस पूरे भंगार में से अगर आप आयरन, मतलब फिर 8-10 लोग लग जाएंगे आप इस आयरन को, लेकिन अगर आप यहाँ पे एक बड़ा सा मैग्नेट नीचे लाते हैं तो ऑटोमेटिकली इस भंगार से जितना भी आपका आयरन होगा वो उसके साथ चिपक जाएगा और उसको आप बेसिकली फिल्टर आउट करके यू कैन मेक एंड मोल्ड इट टू अ डिफरेंट शेप, ठीक है। सो इसके उसमें लगता है भाई साहब लिफ्टिंग स्क्रैप आयरन, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट का और क्या यूज है भाई साहब, परमानेंट मैग्नेट का स्पीकर में यूज है। ये वाला जो है आपका, देखो ये वाला आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है, लिफ्टिंग स्क्रैप आयरन में आप टेम्पररी मैग्नेट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब तक आप इस मशीन में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत पावरफुल मैग्नेट की जरूरत है। यहाँ पे आप एक बाहर मैग्नेट को लेकर जाएंगे तो काम नहीं बनेगा, यू विल हैव टू बेसिकली हैव अ हैवी मैग्नेट। एंड हाउ डू यू क्रिएट अ हैवी मैग्नेट, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना ज्यादा ये मैग्नेट पावरफुल बनेगा, और जब ये पावरफुल बनेगा तो ये भंगार में से लोहे को ऑटोमेटिकली पुल आउट कर लेगा और उस लोहे को बेसिकली रीमोल्डिंग करके आप अलग से लोहा बना सकते हैं, ठीक है। ये एक तो ये टेम्पररी मैग्नेट का यूज है। परमानेंट मैग्नेट का यूज आपके स्पीकर्स में होता है, देखो, ठीक है, स्पीकर्स में आपका परमानेंट मैग्नेट यूज होता है, ठीक है। द मैग्नेट दैट यू यूज इन अ स्पीकर इज बेसिकली अ परमानेंट मैग्नेट। अलॉयज लाइक एलनिको, एलनिको मतलब है एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट, ठीक है, ये तीन चीजों का मिश्रण है। अलॉय मतलब आप बहुत सारे एलिमेंट्स को मिलाकर बना रहे हैं, ठीक है, और निपर मैग आर यूज इन इंडस्ट्री। तो आपके पास अब ये अलॉयज हैं और ये मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ठीक है। तो अलॉयज लाइक एलनिको एंड निपर मैग आर वेरी हार्ड एंड आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स। तो परमानेंट मैग्नेट्स को बनाने के लिए ये यूज होते हैं। अभी ये जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं इनका अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप परमानेंट मैग्नेट को देखेंगे, हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज होता है। जब मैग्नेटिक टर्बाइन्स को हम घुमाते हैं विद द फोर्स विच इज फोर्स ऑफ वाटर विच इज रनिंग डाउन इन अ डैम, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। निपर मैग इज एन अलॉय ऑफ आयरन, निकल, एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम, ठीक है। तो निपर मैग भाई साहब किन किन चीजों से बना हुआ है, आयरन, निकल, एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम। एलनिको इज एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट एलॉय, ठीक है। तो निपर मैग किससे बनता है, इसको लिख लीजिए, आयरन, निकल, एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम। निपर मैग इज एन अलॉय विच इज मेड अप ऑफ, आप चाहे तो शॉर्ट फॉर्म डाल सकते हैं, आयरन का Fe डाल दो भाई साहब, निकल का Ni, एल्यूमिनियम का Al एंड टाइटेनियम का Ti, ठीक है। एलनिको इज मेड अप ऑफ, एलनिको इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट, ठीक है, दीज आर एलिमेंट्स बेसिकली, ठीक है। These are alloys which behave as magnetic materials. Dun dun dun, हाँ भाई साहब, so निपर मैग एंड एलनिको आर बेसिकली अलॉयज, ठीक है, ओके। परमानेंट मैग्नेट ऑफ सच अलॉयज आर यूज इन माइक्रोफोन्स, इसमें भाई साहब माइक्रोफोन्स में यूज होता है। जैसे दिस इज बेसिकली अ माइक्रोफोन, ठीक है, ये जो है एक माइक्रोफोन है, एक दूसरा इसका जो दिस इज बेसिकली द ट्रांसमीटर एंड दैट इज द रिसीवर। तो ये एक माइक्रोफोन है। जब आप माइक्रोफोन पे बात करते हैं स्टेज वगैरह में, जो लोग एक्टिंग वगैरह करते हैं उनका भी माइक्रोफोन से बातें रिले होती हैं, ठीक है। सो आपने देखा रहेगा भाई साहब शोज में ऐसा एक माइक्रोफोन लगा रहता है, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली माइक्रोफोन्स, ठीक है, इसमें भी मैग्नेट्स यूज होते हैं। लाउड स्पीकर्स, इसलिए जितनी बार गिरेगा उतनी बार खराब होता जाएगा, क्योंकि आप मैग्नेट को जितनी बार पटकेंगे उतनी बार वो खराब हो। तो यू हैव टू एंश्योर दैट माइक्रोफोन्स डोंट फॉल ऑफ दैट इजीली, ठीक है, ओके। लाउड स्पीकर्स में भी आपके माइक्रोफोन्स यूज होते हैं। इलेक्ट्रिक क्लॉक्स होते हैं, इनमें भी आपके माइक्रो आपके मैग्नेट्स यूज होते हैं, ठीक है। लाउड स्पीकर्स में आपके मैग्नेट्स यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स में मैग्नेट्स यूज होते हैं। अमीटर, अमीटर किसमें यूज होता है, अमीटर किसमें यूज होता है,
भाई ज्योति, अमीटर किसमें यूज होता है? पहली बार नाम सुन रहे हैं ना, है ना, मुंडी मिला रहे हैं, पहली बार नाम सुन रहे, हमने देखा ही नहीं भाई। नाइन स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है तुम लोग इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे हम अमीटर से क्या मेजर करते हैं? करंट को मेजर करते हैं। धन्य हो भाई साहब। दिस इज बेसिकली अमीटर इज यूज इन मेजरिंग करंट। वोल्ट मीटर इज यूज इन मेजरिंग वोल्टेज वोल्टेज इन ए सर्किट। अमीटर से हम बेसिकली करंट को मेजर करते हैं। स्पीडोमीटर क्या होता है? व्हाट इज स्पीडोमीटर? स्पीडोमीटर इज यूज्ड टू मेजर स्पीड इन योर व्हीकल्स। ठीक है, इन सब में परमानेंट मैग्नेट्स यूज होते हैं। ठीक है, ऑल दीज बेसिकली यूज परमानेंट मैग्नेट्स। निपर मैग इज एन अलॉय ऑफ आयरन एल्यूमिनियम निकल एंड टाइटेनियम। एलिको इज बेसिकली एल्यूमिनियम निकल एंड कोबाल्ट। सो ऑल दीज आर बेसिकली माइक्रोफोन्स में, लाउड स्पीकर्स में, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स में, इन सब में वैसा भी यूज होते हैं। ओके, अ मैग्नेटिक क्रेन इज यूज टू लोड एंड ट्रांसपोर्ट स्क्रैप आयरन। तो ये मैग्नेटिक क्रेन है देखो, और इस क्रेन में ऐसा सोलेनॉइड होता है, और ये भाई साहब जो स्क्रैप आयरन है, जो आयरन मतलब भंगार में से जो आयरन है वो इसके साथ चिपक जाता है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे और बहुत हाई लोड में आपको इस आयरन को उठाना रहता है। तो इतना ही आयरन अगर आप मजदूरों को लगाकर करेंगे तो बहुत मजदूर लग जाएंगे और काफी टाइम भी लग जाएगा। बहुत बड़ा भंगार का एक जगह है, उसमें अगर आप इसको डाउन मतलब इसको नीचे लाएंगे तो ऑटोमेटिकली जितने भी आपके स्क्रैप में से आयरन है वो इसके साथ चिपक जाएगा। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ मैग्नेटिक क्रेन। अ मैग्नेटिक क्रेन इज यूज्ड टू लोड एंड ट्रांसपोर्ट स्क्रैप आयरन। ऑल स्क्रैप एंड लूज आयरन मटेरियल गेट अट्रैक्टेड। ठीक है, मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड इन अ डिस्क एज इट इज नॉट फीजिबल टू क्रिएट अ परमानेंट मैग्नेट ऑफ सच बिग साइज। तो ऑब्वियसली इतना बड़ा परमानेंट मैग्नेट हम नहीं क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट करते हैं, जहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाते हुए मैग्नेटिज्म को बढ़ाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाते हुए मैग्नेटिज्म को बढ़ाते हैं। ठीक है, सो मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड इन द डिस्क एज इट इज नॉट फीजिबल टू क्रिएट अ परमानेंट मैग्नेट ऑफ सच बिग साइज एंड स्टोर सच अ बिग मैग्नेट। हेंस मैग्नेटिक क्रेन इज यूज्ड टू लोड एंड ट्रांसपोर्ट स्क्रैप आयरन। तो हम मैग्नेटिक क्रेन को यूज करते हैं टू लोड एंड ट्रांसपोर्ट स्क्रैप आयरन। तो आपका स्क्रैप आयरन बेसिकली क्या है? व्हाट इज स्क्रैप आयरन? स्क्रैप आयरन इज व्हाट? जो आपका भंगार का आयरन होता है, टू लोड एंड ट्रांसपोर्ट स्क्रैप आयरन। ठीक है, ओके, सो कंसिडर अ सर्क्यूलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन अ प्लेन द टेबल। लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। तो आपका भाई साहब करंट है ये ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। इनसाइड और आउटसाइड द लूप। तो आपका भाई साहब ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे जा रहा है ये। ठीक है, अगर ये ऐसे जा रहा है यहां पे, तो आपका देखो अगर हम राइट हैंड रूल लगाएंगे तो ये ऐसे आ रहा है करंट। ठीक है, दिस इज बेसिकली लाइक दिस। तो इस पूरे उसमें देखो आप डायरेक्शन को आप डिटरमिन कर सकते हो बाय अप्लाइंग राइट हैंड। ठीक है, ओके, सो ईच सेक्शन ऑफ वायर प्रोड्यूसेस इज कॉन्सेंट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो हर पॉइंट पे आपको ऐसा कॉन्सेंट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मिल जाएगा। देखो भाई साहब ये वायर है, अब ये घूमता हुआ जाए या सीधा जाए, मुद्दा क्या है कि आप राइट हैंड थंब रूल को लगाएंगे इन ऑर्डर टू डिटरमिन द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। समझ में आ रहा है भाई साहब? तो अगर ये करंट जा रहा है, ठीक है, अगर करंट जा रहा है हर पॉइंट पे आपको ऐसे सर्कुलर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, सो ईच सेक्शन ऑफ वायर प्रोड्यूसेस इट्स कॉन्सेंट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, वी फाइंड दैट ऑल द सेक्शंस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड डाउनवर्ड एट पॉइंट्स इनसाइड द लूप। तो आप देखोगे कि अगर आपने एक सर्कुलर लूप में, तो इन सब पॉइंट्स पे ऐसे डाउनवर्ड्स है, देखो ऐसे डाउनवर्ड्स, ये भी घूमकर डाउन, ये भी भाई साहब घूमकर डाउन। ठीक है, भले ही सबके डायरेक्शन अलग अलग हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो ईच ऑफ दीज लाइंस ऑफ फोर्स एट एवरी पॉइंट थ्रू आउट द सर्क्यूलर लूप इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल वी फाइंड दैट ऑल द सेक्शंस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड डाउनवर्ड एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द लूप व्हाइल एट द आउटसाइड पॉइंट्स द फील्ड इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स। तो आपका भाई साहब आउटसाइड पॉइंट में क्या हो जाएगा? फील्ड इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स। ठीक है, आउटसाइड मतलब इधर बाहर। ठीक है, तो बाहर आपको सारे बाहर आते दिखेगा। वैसे देखो ऐसा है ना, ठीक है, अब ये हम इसको ऐसे लेकर जा रहे हैं, ये ऐसा गोल है तो ऐसे लेकर जा रहे हैं, तो ये इनसाइड में मतलब ये गोलाकार है। देखो इसको इमेजिन करिए, ये आपका भाई साहब गोल है। ठीक है, यहां पे आप राइट हैंड थंब रूल निकाल रहे हैं, ये जा रहा है आपका करंट। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल निकालो ठपा, तो अंदर जितने भी जगह है वो क्या दिखा रहे हैं आपके? मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड जा रहा है, और जैसे आप बाहर आ रहे हैं तो ये गया अंदर और ये बाहर आ रहे, तो ये बाहर ऊपर की तरफ आ रहा है। दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल वी फाइंड दैट ऑल द सेक्शंस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द लूप। ठीक है,
व्हाइल एट द आउटसाइड पॉइंट द फील्ड इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स। आपका आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड क्या है? डायरेक्टेड अपवर्ड्स। क्या ये समझ में आ रहा है? तो लूप के अंदर सारे जो है नीचे जा रहे हैं और लूप के बाहर सारे जो है ऊपर आ रहे हैं। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके। हेंस द मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर एट द पॉइंट्स इनसाइड द लूप एंड नॉर्मली आउट ऑफ द पेपर एट द पॉइंट्स आउटसाइड द लूप। तो आपका लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अंदर की तरफ है और लूप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बाहर की तरफ है। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये लूप है तो इसके अंदर जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है दे आर इनसाइड और उसके बाहर जो है दे आर आउटसाइड, दे आर अप। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ओके ओके ओके। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो यूनिफॉर्म है मतलब समझ लो ये आपका किसी का, ये आपका लेट्स से नॉर्थ पोल है, ये हॉर्सशू मैग्नेट है लेट्स से। ठीक है, हॉर्सशू मैग्नेट में एक पोल होगा आपका नॉर्थ पोल, दूसरा पोल होगा आपका साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल डायरेक्शन है आपके मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो ये सारे भाई साहब ऐसा नहीं होगा कि देखो आपको अगर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकालना है नॉर्थ से साउथ, तो ऐसा नहीं होगा कि ये एक ऐसा गया और उसके बाजू से आपने एक और लाइन ड्रॉ कर दिया और उसके भाई साहब यहां, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऑल दीज विल बी इक्वी डिस्टेंट लाइन्स, मतलब एक डिस्टेंस आप ले लो कोई भी आपको जो जमता हो। ठीक है, ताकि क्लियरली ये लाइन्स ऑफ फोर्स दिखे, लेकिन आपको ये इंश्योर करना है कि ऑल दीज आर इक्वी डिस्टेंट। अगर ये भाई साहब एक सेंटीमीटर का है तो दूसरा लाइन भी आप एक सेंटीमीटर पे ही बनाएंगे, दो सेंटीमीटर मत कर देना। ठीक है, अगर दो सेंटीमीटर आप करते हैं तो इट मीन्स दैट द फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। अगर आपने देखो फील्ड ऐसे बनाया कि भाई साहब यहां पे क्लोज, यहां पे भाई साहब दूर दूर, तो इसका मतलब ये आपका नॉर्थ से साउथ तो हुआ, लेकिन द फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फील्ड इज और रादर द गैप इज इंक्रीजिंग देन द फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि सारे फील्ड लाइन्स जो होंगे दे विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, वो सब के सब भाई साहब इक्वी डिस्टेंट होंगे। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? चूज द करेक्ट ऑप्शन। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग करंट इज जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनोइड कैरिंग करंट इज जीरो। सोलेनोइड है भाई साहब, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनोइड, आपका भाई साहब ये सोलेनोइड है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग करंट इज जीरो। क्या ये जीरो होगा? अरे बोलो भाई साहब। डिक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स इस एंड। भाई साहब सोलेनोइड एक बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इंक्रीज हो जाएगा, जैसे जैसे हम इधर एंड की तरफ जाएंगे वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या अंदर जीरो होगा? नो। डिक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स इस एंड? नो। इंक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स इस एंड, ये करेक्ट होगा। जैसे आप अगर देखोगे किसी बार मैग्नेट में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग सबसे ज्यादा कहां पे होता है? एट इट्स एंड्स। ठीक है, सो इंक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स इस एंड, यस। इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स? नो। ठीक है, तो इंक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स इस एंड इज द सेम इन एट ऑल इनसाइड पॉइंट्स। आपका भाई साहब हाँ ये वाला सही होगा, इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स। तो आपका भाई साहब यहां पे इनसाइड में, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हो गए, एक्चुअली में यहां पे इनसाइड नहीं दिया है, इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स अगर हम बोलेंगे तो एक्चुअली गलत है, लेकिन इज द सेम एट ऑल इनसाइड पॉइंट बोलेंगे तो सही है, ये इनसाइड पॉइंट। इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स मतलब बाहर भी अंदर अंदर भी, क्या सेम होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। तो इफ इट वॉज स्पेसिफाइड दैट इट इज इनसाइड देन दिस वुड बी करेक्ट, ठीक है, अदरवाइज दिस इज करेक्ट। इंक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स द एंड, जैसे आपका बार मैग्नेट में होता है वैसे आपका सोलेनॉइड में भी होगा। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भाई साहब देखो यहां पे एक इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, इसके वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में उसके इलेक्ट्रिक करंट के वजह से उसके आजू बाजू एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इस कंडक्टिंग वायर को अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा, विल इट एक्सपीरियंस अ फोर्स? ठीक है, तो अगर समझ लो ये भाई साहब आपका एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है और ये है आपका नॉर्थ पोल और ये है आपका साउथ पोल, इसके वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और बाहर तो ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका मतलब क्या है कि बाहर का मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है इसको सपोर्ट करे या हो सकता है इसको अपोज करे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज ईदर, मैग्नेटिज्म इज ईदर अट्रैक्टिव इन नेचर
और रिपल्सिव इन नेचर, दोनों भी हो सकता है। ठीक है, मैग्नेटिज्म आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है रिपल्सिव, लेकिन इस पे एक असर जरूर आएगा क्योंकि दोनों के आपस के मैग्नेटिक फील्ड क्लैश हो रहे हैं। इसका भाई साहब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड और बाहर का मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है एक दूसरे को सपोर्ट करे या हो सकता है एक दूसरे से क्लैश करे। ठीक है, सो आपका भाई साहब अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है और यहाँ पे हमने किसी वायर को डाल दिया है, दिस वायर विल बेसिकली एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है, तो आपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये आपका मोशन हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम आते हैं भाई साहब आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर विच इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अभी आप देखो यहाँ पे आपका दिस इज बेसिकली एन एसी जनरेटर, तो यहाँ पे आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर जा रहा है, दिस इज बेसिकली कैरिंग करंट। ठीक है, और इसको अपन ने किसमें डाला हुआ है, दिस इज बेसिकली ये ऐसे घूमता रहेगा। ठीक है, ये घूमेगा क्यों, वाई विल दिस मूव, जैसे ही आप इसको बेसिकली एक मैग्नेट के, देखो ये मैग्नेट कैसा है ऐसे अंदर जा, ठीक है, तो जैसे ही आप किसी फोर्स जो जिसमें कंडक्टर करंट जा रहा है वो अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा तो उस पर एक फोर्स आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से भाई साहब एक प्लेट है तो प्लेट ऐसे घूमने लगेगा, दिस प्लेट विल स्टार्ट रोटेटिंग। ठीक है, ठीक है, सो फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व द फोर्स, तो ये आपका भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड है। अभी आपने कंडक्टर रखा हुआ है, ये करंट जा रहा है भाई साहब, दिस करंट इज बेसिकली मूविंग अपवर्ड। ठीक है, सो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मोशन इज इनवर्ड। ठीक है, मोशन इज इनवर्ड, देखो यहां पे क्या हो जाएगा, एक फोर्स लगेगा इस पे, आपने यहां पे करंट को चालू किया है और इसको रखा किसके बीच में है, एक मैग्नेट के बीच में रखा है। ठीक है, सो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है, दिस विल एक्चुअली एक्सपीरियंस अ फोर्स, ऐसा भाई साहब फोर्स एक्सपीरियंस करता रहेगा, जैसे आपने इस तरफ लिखा तो ये अभी फोर्स इस तरफ एक्सपीरियंस करेगा, इट विल फोर्स, करंट इज डाउनवर्ड, तो ये आउटवर्ड फोर्स। अभी आप बोलोगे इसका डायरेक्शन कैसे हम करेंगे, तो देयर इज अ रूल इन ऑर्डर टू डिटरमिन द डायरेक्शन, फिर से देख लीजिए। ठीक है, यहां पे क्या है, देखो एक करंट कैरिंग आपने मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, हॉर्सशू मैग्नेट है, इसके बीच में आपने करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा है, ध्यान से देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, सो व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन दिस माइट एक्सपीरियंस अ फोर्स विच इज इनवर्ड, द मोमेंट यू हैपन टू चेंज द बैटरीज, आपने बैटरीज को चेंज कर दिया और करंट को आपने दूसरे डायरेक्शन में फ्लो कराया, यू विल सी दैट दिस वायर मूव्स आउटवर्ड्स। ठीक है, सो इन वन केस द वायर मूव्स इनवर्ड, इन द अदर केस द वायर मूव्स आउटवर्ड, क्या ये समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके, सो अगर करंट ऐसे मूव होने लगा, करंट इज डाउनवर्ड, तो द मोशन इज आउटवर्ड, क्या ये समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब देर इज अ फोर्स दैट इज हैपनिंग एंड द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इज डिपेंडेंट ऑन द डिरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ये जो फोर्स कंडक्टर पे एक्ट हो रहा है, ये कंडक्टर के डिरेक्शन, कंडक्टर में जो करंट फ्लो रहा है उसके डिरेक्शन पे ये डिपेंडेंट है। ठीक है, ओके, सो लेट्स लुक एट दिस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो भाई साहब ये मुद्रा पे आइए सब लोग, अरे ऐसे लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल में ऐसे अरेंज करना है, ये आपका जो इंडेक्स, दिस इज बेसिकली योर दीज थ्री फिंगर्स हैव टू बी केप्ट इन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये वाले दो परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, और ये वाला इसके परपेंडिकुलर होगा, दिस इज हाउ यू बेसिकली स्ट्रेच इट। ठीक है, तो जो फर्स्ट थ्री फिंगर्स है इन योर लेफ्ट हैंड, यू विल स्ट्रेच इट इन सच अ वे दैट ऑल थ्री आर बेसिकली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ओके, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भाई साहब क्या बोलता है, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अभी ये सारे आपके परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो ये जो फोर फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है और ये थंब है, तो फोर फिंगर बेसिकली आपका क्या डिटरमिन करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका ये वाला जो फोर फिंगर है, ठीक है, दिस विल बेसिकली डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस विल डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो दिस विल बी द फोर्स। अगर भाई साहब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, सो दिस विल बी द फोर्स दैट इट विल एक्सपीरियंस। ठीक है, इसको लिख लीजिए भाई साहब, थंब आपका क्या प्रोट्रे करेगा, थंब विल बी द फोर्स ऑफ द कंडक्टर, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर, सो दिस इज बेसिकली फोर्स ऑन द कंडक्टर, दैट इज थंब, फोर फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स ऑन द कंडक्टर, क्लियर है।
बाप रे, दिखा रहे हम भाई साहब, कल हमसे 7 मंजिला चढ़ने में नहीं हुआ, आज देखो लपक लपक के भाई साहब नोट्स बना रहे हैं। अरे बाप रे बाप, चलिए चलिए जल्दी 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 फटाफट। ओके तो समझो भाई साहब, लेट से यहां पे देखो इस चीज को, ये आपका एक नॉर्थ पोल है और लेट से ये आपका एक साउथ पोल है, ठीक है। ये आपका नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। आपने भाई साहब यहां पे किसी वायर को रखा है और लेट से भाई साहब यहां पे ये करंट है, ठीक है, ऐसे जा रहा है ये। यहां पे एक स्विच डाल दिया आपने। अभी ध्यान से देखो, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। So, यहां से इलेक्ट्रिसिटी चला, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड विल ऑलवेज बी मूविंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है। तो अभी फोर्स इस कंडक्टर पे, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, लेट्स से हॉर्सशू मैग्नेट आपने लिया हुआ है। हॉर्सशू मैग्नेट मतलब ऐसे होता है वैसे, अभी इस तरफ, ठीक है। तो हॉर्सशू मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। सो दिस इज बेसिकली अ नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। करंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव होता है। वेर विल द फोर्स बी नाउ, जस्ट प्लेस इट। आपका फोर फिंगर क्या है भाई साहब, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, इसको भूल जाइए, ठीक है, नॉर्थ से साउथ। करंट का डायरेक्शन कैसे आ रहा है वैसे, इज दिस रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यस इट इज। सो वेयर इज द फोर्स दैट विल बी एक्सपीरियंस, दिस इज द फोर्स। तो मतलब ये जो आपका वायर है ये आपकी तरफ आएगा, इट विल मूव टूवर्ड्स यू। क्या ये समझ में आ रहा है, दिस इज हाउ यू विल अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन और ये है आपके फोर्स का डायरेक्शन। मतलब अगर दिस इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर, दिस इज मूविंग टूवर्ड्स यू। आर वी गेटिंग दिस पीपल, ठीक है। अगेन देखिए, यहां पे आपका करंट है, दिस इज द करंट, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, दिस इज द करेंट। सो ऑब्वियसली द फोर्स विल बी टूवर्ड्स यू, ठीक है। अभी अगर हमने भाई साहब लेट से पोलैरिटी चेंज कर दी, ठीक है, ये पोलैरिटी भाई साहब हमने अगर चेंज कर दी और इधर भाई साहब पॉजिटिव कर दिया, ठीक है, तो अभी आपका कैसे फ्लो होगा भाई साहब, दिस विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, इधर से इधर जा रहा है करंट, ठीक है। करंट का डायरेक्शन भाई साहब हमने चेंज कर दिया, जैसे ही करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ, अब आइए भाई साहब आप, ठीक है। सो ये हो गया आपका करंट का डायरेक्शन, सो दिस विल बी द करंट का डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड स्टिल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो अभी फोर्स किस तरफ है, इस तरफ है, मतलब नाउ इट विल मूव इनसाइड, मतलब नाउ दिस वायर विल गो इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आपने डायरेक्शन चेंज किया, जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो भी चेंज होगा। तो एक टाइम पे फोर्स की वजह से इट वॉज मूविंग टूवर्ड्स यू और एक टाइम पे फोर्स की वजह से इट इज मूविंग अवे फ्रॉम यू। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को कैसे अप्लाई करना है इसका अंदाजा आपको हो रहा है, ठीक है। ऑल दीज फिंगर्स विल बी एक्चुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द करंट, दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मैग्नेटिक फील्ड विल ऑलवेज बी डिरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। सो दिस विल ऑटोमेटिकली, द थंब विल रिप्रेजेंट द डिरेक्शन ऑफ द फोर्स विच इज बींग एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, क्लियर है। So, ये आपका फोर्स ऑन द कंडक्टर विच इज रिप्रेजेंट बाय द थंब, फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूं, ओके। स्ट्रेच द थंब, द फोर फिंगर एंड द मिडिल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ फोर फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर फिंगर आपका भाई साहब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में है, मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर। क्या ये तीनों को आपने लिख लिया है, ठीक है, सो इट्स मींस द सेम थिंग। ये आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक मोटर है भाई साहब, जो आपका बेसिकली चलता है इसी प्रिंसिपल पे, जो आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है वो इसके वजह से ही हो रही है। इलेक्ट्रिक मोटर बेसिकली ऑपरेट कैसे करता है, अ डिवाइस चेंजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो जैसे आपके बिल्डिंग में जो पानी चढ़ाया जाता है ऊपर, वो इस इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर चढ़ाया जाता है, ठीक है। सो दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है भाई साहब, मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। वर्किंग प्रिंसिपल,
तो ये वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि जब भी आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ठीक है, तो वर्किंग प्रिंसिपल यहां पे क्या हो जाएगा, फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसको लिख लीजिए भाई साहब, इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है, अ डिवाइस चेंजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भाई साहब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। वर्किंग प्रिंसिपल क्या हो जाएगा भाई साहब, फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग कंडक्टर को भाई साहब जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, सो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो ये हो गया आपका वर्किंग प्रिंसिपल। ओके, तो इलेक्ट्रिक मोटर जिसको अपन डीसी मोटर भी बोलते हैं, डीसी मोटर मतलब हो गया आपका डायरेक्ट करंट का मोटर। ठीक है, दिस इज बेसिकली अ डायरेक्ट करंट मोटर। ठीक है, अभी हमारे यहाँ पे जो सप्लाई आता है वो एसी सप्लाई है, इसको हम एसी सर्किट्स बोलते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, पहले एक जमाने में डीसी करंट आता था। ठीक है, ओके, तो ये आपका आयरन कोर है। ठीक है, ये आयरन कोर मतलब अंदर का ये आयरन से बना हुआ है, उस पे हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर डाल के रखा है। ठीक है, ये आपका क्या है, आर्मेचर कॉयल है, ए बी सी डी इज बेसिकली नोन एज द आर्मेचर कॉयल। ये नॉर्थ और साउथ पोल से मैग्नेट्स के, ठीक है, तो किसी मैग्नेट के बीच में एक आर्मेचर कॉयल रखा हुआ है और उस आर्मेचर कॉयल के अंदर क्या है भाई साहब, आयरन कोर है। ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर बोलेंगे हम इसको, सॉफ्ट आयरन कोर एक टाइप का ऐसा आयरन कोर होता है जो मैग्नेटिज्म को सपोर्ट करता है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ सॉफ्ट आयरन कोर विच हैज बीन प्लेस्ड, और इसको अपन ने स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर है। ये स्प्लिट रिंग्स हैं, स्प्लिट रिंग्स हैं मतलब बीच में भाई साहब एक गैप है, दैट इज द रीजन इट इज नोन एज अ स्प्लिट रिंग। मतलब ये पूरा पूरा रिंग नहीं है, देखो इधर भी एक गैप है और इधर भी एक गैप है, दैट इज द रीजन इट इज नोन एज अ स्प्लिट रिंग। ठीक है, एक रिंग तो है लेकिन पूरा रिंग नहीं है, तो देयर इज अ गैप हियर एंड देयर इज अ गैप हियर। सो देयर आर टू स्प्लिट रिंग्स, दैट इज आर वन एंड आर टू, और इनके साथ जुड़े होते हैं ब्रशेस, ये हो गया आपके बी वन एंड बी टू, ये कार्बन ब्रशेस हैं। ठीक है, बी वन एंड बी टू, सो ये कार्बन ब्रशेस हैं, और यहां पे आपकी बैटरी जुड़ी हुई है, यहां पे भाई साहब आपका यू नो, सो दिस इज हाउ इट इज बेसिकली कंडक्टिंग। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है। तो अभी देखो ध्यान से, यहां पे आपका पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो ये यहां से होते हुए इधर एंट्री करेगा, एंट्री करेगा, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, फिर ये आ रहा है भाई साहब इधर, फिर ये आ रहा है इधर, ये आ रहा है इधर। ठीक है, अभी पहले इसको लेते हैं, देखो ये वाला कैसे जा रहा है, इस तरफ, तो आप इसको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कीजिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां, नॉर्थ से साउथ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो वेयर विल बी द फोर्स, इस तरफ है ना, तो फोर्स आपका मतलब आप ऊपर से इसको देख रहे हैं, तो फोर्स किस तरफ होगा भाई साहब, वेयर विल बी द फोर्स, तो आपका ये ऐसे जा रहा है तो ये नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, या आप इसको देखो ऐसे, दिस इज बेसिकली नॉर्थ टू साउथ, ये आपका मैग्नेटिक आपका इलेक्ट्रिक करंट है, तो ये फोर्स इस तरफ जाएगा, इसका भाई साहब कैसे हो जाएगा, द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, तो इसका तो इसमें जो फोर्स क्रिएट हो रहा है
और इसमें जो फोर्स क्रिएट हो रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जिसके वजह से ये क्या हो जाएगा, ये घूम जाएगा। देखो अगर आप किसी चीज को यहां पे एक फोर्स अप्लाई करते हो और यहां पे भी एक फोर्स अप्लाई करते हो तो वो घूमेगा ही ना, ठीक है। सो ये ऑपोजिट फोर्सेस हैं विच विल बी एक्टिंग ऑन ए बी एंड सी डी, दीज ऑपोजिट डायरेक्ट। आप इसको भाई साहब ऐसे नहीं देख रहे हैं, आप इसको ऐसे ऊपर से देख रहे हैं, है ना। सो यू आर लुकिंग एट दिस लाइक दिस। तो यहां पे भाई साहब ये घूमेगा, जैसे ही ये घूमेगा तो ये घूम कर क्या आ जाएगा भाई साहब, ये घूमा और ये ऐसे आ गया, तो अभी भाई साहब क्या हो जाएगा, ये स्प्लिट रिंग्स है, ये स्प्लिट रिंग्स घूम के ऐसे आ जाएंगे क्योंकि स्प्लिट रिंग्स घूम सकते हैं, तो ये स्प्लिट रिंग घूम के अभी इधर आ जाएंगे, तो अभी क्या हो जाएगा आपका भाई साहब, सी डी इधर आ जाएगा, ए बी इधर आ जाएगा, ठीक है। सो वी विल जस्ट सी व्हाट हैपेंस नाउ, द करंट इज फ्लोइंग थ्रू, जैसे आपने प्लग की दिया तो यहां पे करंट फ्लो हो रहा है, तो जैसे ही आपका करंट फ्लो हुआ, देखो जैसे यहां से करंट फ्लो होगा, सो इट विल डू व्हाट, तो ये घूमेगा भाई साहब, ये घूम गया और ये फटाक से फिर से देखो कॉन्टैक्ट में आ गया, समझ में आ रहा है। देखो फिर से देखते हैं इसको, तो ये आपका घूम रहा है ये, तो पहले आपका ये ओरिजिनल पोजिशन था, जैसे ही आपने इस की को प्रेस किया करंट गया इसमें, करंट गया, करंट गया तो इसको अभी फोर्स लगा, तो ये टैम ऐसे घूम रहा है, समझ में आ रहा है, ये इस पे फोर्स लगा, इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में और इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये घूमेगा, मतलब ये आपको पूरा ऐसा नहीं दिखेगा, ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। दैट इज द रीजन इट्स साइज इज रिड्यूसिंग। और जैसे ये हुआ देखो यहां से कॉन्टैक्ट छूट गया है, ठीक है, धीरे धीरे कॉन्टैक्ट छूट जाएगा, तो अभी भाई साहब देखो ए बी इस तरफ आ रहा है, सी डी इस तरफ आ रहा है, तो देखो सी डी इस तरफ आ गया, ए बी इस तरफ आ गया, और अभी क्या हो जाएगा, फिर से कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हो जाएगा, अभी क्या होगा भाई साहब, ठीक है, अभी फिर से करंट जब जाएगा तो इसमें से करंट जाएगा, फिर से ये घूमेगा, ठीक है, फिर से ए बी इस तरफ और सी डी इस तरफ, ऐसा होता रहेगा, ठीक है। क्या ये ऑपरेशन समझ में आ रहा है, इज दिस अंडरस्टूड, ठीक है। आपका यहां पे कॉन्टैक्ट बना रहेगा स्प्लिट रिंग से कार्बन ब्रशेस का, ठीक है, और दोनों भी आर्म्स में आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगेंगे, क्योंकि दोनों भी आर्म्स में आपके जो करंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, एक में करंट नीचे की तरफ जा रहा है। सो ऑब्वियसली हमको मालूम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में, एक में ये अप्लाई हो जाएगा, एक में ये अप्लाई हो जाएगा, तो ऑब्वियसली अगर एक में ये अप्लाई हो रहा है तो फोर्स इस तरफ लग रहा है, एक में ये अप्लाई हो रहा है तो फोर्स इस तरफ, तो मतलब दोनों भी फोर्सेस जो है ऑपोजिट डायरेक्शनल है, और इस ऑपोजिट डायरेक्शनल फोर्स की वजह से ये घूम जाएगा, ठीक है, और ये ऐसा घूमता ही रहेगा, इट विल कीप ऑन मूविंग। दिस इज नोन एज अ डीसी मोटर, इसको अपन क्या बोलेंगे, डायरेक्ट करंट मोटर, ठीक है। तो आपका यहां से करंट का डायरेक्ट करंट मोटर, डीसी करंट मोटर बोलेंगे हम इसको। ड्रॉइंग ऑफ डीसी मोटर, अभी आप देख लो ये आपका आर्मेचर कॉयल हो गया, नॉर्थ साउथ पोल के बीच में आपने रखा हुआ है इसको, ठीक है, ये आपका बेसिकली हो गया स्प्लिट रिंग, यहां से आपने कनेक्ट किया हुआ है वोल्टेज को, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दिस इज बेसिकली द आर्मेचर कॉयल, ये नॉर्थ साउथ पोल्स हैं, ये ए बी सी डी है, आपने इसको वैसा कनेक्ट किया हुआ है इससे, इसको कनेक्ट किया हुआ है इससे, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल हैपन, ये आपके स्प्लिट रिंग्स हैं, दीज आर बेसिकली द स्प्लिट रिंग्स। तो जैसे ये घूमेगा एक टाइम आएगा जब पूरा कॉन्टैक्ट ही छूट जाएगा, लेकिन फिर भी ये घूम जाएगा। देखो किसी चीज को आपने फोर्स से घुमाया है, जैसे पंखे का स्विच जैसे ही आप बंद करते हो तो क्या पंखा एकदम स्टॉप हो जाता है, वो घूम 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 के फिर स्टॉप होगा ना भाई साहब। इलेक्ट्रिसिटी आपने बंद कर दी है लेकिन उसका मैकेनिकल एनर्जी फटाक से स्टॉप नहीं होगा, तो यहां पे भी वैसा ही हो रहा है कि जैसे ये स्प्लिट रिंग घूमकर ऐसे आएगा ना तो यहां से करंट छूट जाएगा इसका, लेकिन ये फिर भी घूमेगा क्योंकि इसने अपना एक मोमेंटम पकड़ लिया है, इसने अपना एक एनर्जी पकड़ लिया है। सो आधा रोटेशन जो होगा वो उसके पहले के रोटेशन के वजह से होगा, क्या ये समझ में आ रहा है। देखो ये वाला स्प्लिट रिंग है, यहां पे स्प्लिट रिंग से ये कार्बन ब्रशेस कनेक्टेड है, ये कार्बन ब्रशेस क्या है, एंट्री पॉइंट ऑफ करंट है। आप सोचो जब ये घूम रहा है तो एक टाइम पे ऐसा होगा ना कि ये स्प्लिट रिंग के, ये वाला जो स्प्लिट रिंग का स्प्लिट है ये यहां पे आ गया है, तो करंट तो छूट गया इसका मतलब, तो क्या ये मोशन रुक जाएगा, नहीं। जैसे आपका एक इलेक्ट्रिक फैन होता है, जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हैं तो मोशन नहीं रुकता है, मोशन विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम बिकॉज इट हैज गेन सम अमाउंट ऑफ मोमेंटम एज वेल एज एनर्जी, बिकॉज ऑफ विच मोशन विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम। तो यहां पे मोशन कुछ देर तक कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। यहां पे मोशन का कंटिन्यू रहना क्यों है, क्योंकि यहां पे भाई साहब उसने एक काइनेटिक एनर्जी गेन कर लिया है, ठीक है। सो नाउ दिस इज बेसिकली द एक्सेल, दीज आर द कार्बन ब्रशेस, ये कार्बन ब्रशेस स्प्लिट रिंग्स में है, ठीक है, ओके। तो जैसे ही आप इसको घुमा रहे हैं, ठीक है, व्हाट विल हैपन, वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, तो आपका भाई साहब देखो यहां पे करंट, सो यहां पे करंट आपका जा रहा है ए बी सी डी में, ठीक है। देखो करंट जा रहा है ए बी सी डी, ये दोनों मैग्नेट्स हैं, ये आपके देखो कार्बन ब्रशेस हैं, ये आपका स्प्लिट रिंग है, ये अभी घूमेगा, ठीक है। जैसे आपने भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी चालू किया, सो व्हाट विल हैपन, ए बी डाउनवर्ड्स और सी डी अपवर्ड्स, ये घूमेगा भाई साहब। ए बी में किस तरह से फोर्स जा रहा है, देखो ये आप इस तरह से देख रहे हो ऐसे, ठीक है, यू आर बेसिकली लुकिंग एट लाइक दिस। तो यहां पे ए बी में ये ऐसे घूमेगा भाई साहब, दिस विल बेसिकली मूव लाइक दिस, ठीक है।
और ये जब घूमेगा ए बी डाउन, अभी वर्टिकल कॉन्टैक्ट ब्रेक्स, अभी देखो जैसे ये स्प्लिट रिंग का होल यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे जो कार्बन ब्रशेस थे ये कॉन्टैक्ट छूट जाएगा, ठीक है। लेकिन इस कॉन्टैक्ट के छूटने से ये रुकेगा नहीं, क्योंकि इसने अपना एक मोमेंटम या एनर्जी पकड़ लिया है, तो बाकी का रोटेशन वो करेगा, ठीक है। बाकी का रोटेशन वो अपने एनर्जी की वजह से कर लेगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट, ध्यान से देखो, इधर जो आपके स्प्लिट रिंग्स के होल्स हैं इसके साथ कार्बन का भी कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। लेकिन सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी ना होने के बावजूद भी ये भाई साहब रोटेशन करेगा, क्योंकि अभी तक इसने अपना एक मोमेंटम गेन कर लिया है, ये फटाक से नहीं रुकेगा। तो इसका मतलब इस डीसी मोटर में आधा मूवमेंट किसके वजह से हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी के वजह से और मैग्नेटिज्म के वजह से हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के वजह से हुआ है ना। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जब एक साथ होंगे तो एक फोर्स कंडक्टर पे एक्ट करता है, तो उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से हुआ है। लेकिन आधा मोशन किसके वजह से हुआ है, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई लेना देना नहीं है, जस्ट बिकॉज, तो ये आधा मोशन जो है वो मैकेनिकल है, ठीक है। हाफ ऑफ द मोशन इज ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड हाफ ऑफ द मोशन इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्योर मैकेनिक्स। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। हाफ मोशन इज, यहां पे भाई साहब हाफ मोशन हम बोल सकते हैं, हाफ मोशन इज ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और हाफ मोशन इसका भाई साहब किसके वजह से, मैकेनिक्स के वजह से। इट हैज गेन सर्टेन अमाउंट ऑफ मोमेंटम एंड फोर्स एंड हेंस इट विल कंप्लीट इट्स सर्कल, ठीक है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो यहां पे इसका कॉन्टैक्ट छूट चुका है, ठीक है, दिस कॉन्टैक्ट हैज एक्चुअली वैनिश्ड। ओके, सो नाउ इफ वी, तो वर्टिकल कॉन्टैक्ट ब्रेक्स इनर्शिया, तो इनर्शिया क्या बोलता है, इफ अ बॉडी इज इन मोशन देन इट विल कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज इट्स स्टेट। इन द सेम वे इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज इट्स स्टेट। तो क्योंकि इस बॉडी ने मोशन गेन कर लिया है आधा मोशन पे, तो ये अभी रुकेगा नहीं, आपका इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाने के बाद भी नहीं रुक रहा है। सर्किट में आपने इलेक्ट्रिसिटी ऑफ नहीं किया है, लेकिन कार्बन ब्रशेस से स्प्लिट रिंग का कॉन्टैक्ट छूट गया है, तो इसके वजह से सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा है। लेकिन इसने अपना एक मोमेंटम गेन कर लिया है, इसका ऑलरेडी एक इनर्शिया एक्वायर हो चुका है, जिसके वजह से ये बाकी का जो मोशन है वो कंप्लीट कर लेगा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट इज नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है। इसके ऊपर कोई फोर्स अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से नहीं लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो फोर्स है वो आपके मैकेनिक्स की वजह से लग रहा है, ठीक है। ओके, सो कॉइल डज नॉट स्टॉप ड्यू टू इनर्शिया, तो कॉइल भाई साहब स्टॉप नहीं हो रहा है इनर्शिया के बावजूद, इनर्शिया के चलते ये स्टॉप नहीं होगा, एंड रोटेट्स अंटिल द कम्यूटेटर अगेन कम्स इन कॉन्टैक्ट। तो ये यहां पे देखो ये छूट गया है कॉन्टैक्ट, लेकिन ये फिर से रोटेट होगा, ठीक है, फिर से ब्रशेस बी वन और बी टू के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। द करंट इन द लूप इज रिवर्स आफ्टर ईच हाफ रोटेशन, द लूप एंड द एक्सल कंटिन्यू टू रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये वैसा वैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता ही रहेगा, ठीक है। तो आप देखोगे ए बी कॉयल में करंट इस तरफ जा रहा था, सी डी कॉयल में करंट इस तरफ आ रहा था, है ना, स्टार्टिंग में ए बी कॉयल में करंट इस तरफ जा रहा है सी डी, अभी ये भाई साहब घूम गया इधर आ गया, अभी ए बी में करंट किस तरफ जा रहा है, देखो ए बी में पहले इस तरफ जा रहा था लेकिन अभी ए बी इधर आ गया तो ए बी में करंट इस तरफ आ रहा है, अभी सी डी में करंट किस तरफ जा रहा है, इस तरफ, तो फिर से ये घुमा भाई साहब, जैसे ये फिर से घुमा अगेन सी डी इधर आ गया ए बी, तो ऐसे करते करते आप देखोगे कि हर बार जब भी ये घूम रहा है तो करंट इज रिवर्सिंग इस डायरेक्शन, ए बी में करंट पहले में इधर जा रहा था लेकिन जब ये ए बी घूमकर इधर आ गया तो इधर आ रहा है, समझ में आ रहा है ये। सो करंट इज बेसिकली रिवर्सिंग इस डायरेक्शन, ठीक है, यहां पे करंट आपका रिवर्स कर रहा है, द लूप एंड द एक्सल कंटिन्यू टू रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये भाई साहब कंटिन्यू करेंगे रोटेट करने में। तो इस रोटेशन में दो चीजें हैं, इस रोटेशन में हाफ ऑफ द रोटेशन इज हैपनिंग ड्यू टू फोर्स क्रिएटेड ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड हाफ ऑफ द रोटेशन इज हैपनिंग ड्यू टू प्योर मैकेनिक्स और इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। आधा मोशन आपका किसके वजह से हो रहा है, ड्यू टू फोर्स क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एंड आधा मोशन आपका किसके वजह से हो रहा है, ड्यू टू फोर्स ड्यू टू इनर्शिया, आधा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से और आधा भाई साहब आपका फोर्स ड्यू टू इनर्शिया की वजह से। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूं, ओके ओके ओके। सो आपका ये हो गया 90 डिग्री, देखो यहां पे कैसा है, ये 90 डिग्री पे आ गया, देखो कॉन्टैक्ट छूट गया है लेकिन ये फिर भी अपना कंप्लीट करेगा, ठीक है। अभी ये फिर से 180 डिग्री पे आ गया, तो पहले ए बी किधर था भाई साहब, इधर 180 डिग्री पे था, सी डी इधर था, ए बी में करंट ऐसे जा रहा था, सी डी में करंट ऐसे जा रहा है, अभी ट्वैंग ऐसे हो गया भाई साहब, तो अभी ए बी में करंट कैसे जा रहा है ऐसे, ठीक है, और सी डी में करंट इस तरफ जा रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका 90 डिग्री और ये हो गया आपका 180 डिग्री,
180 डिग्री में फिर देखो B1 और B2 ब्रशेस से आपके स्प्लिट रिंग्स का कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हो गया है, मतलब अभी फिर से करंट इसमें जाएगा। ठीक है, यहां पे भाई साहब ब्रशेस से आपका स्प्लिट रिंग्स का कॉन्टैक्ट निकल चुका है, क्योंकि स्प्लिट रिंग में यहां पे थोड़ा सा गैप है जिसके वजह से ब्रशेस अभी कॉन्टैक्ट में नहीं आ पा रहे, लेकिन ये अपना मोशन कंप्लीट करेगा। दिस मोशन विच इट कंप्लीट फ्रॉम 90 to 180 इज हैपनिंग ड्यू टू इनर्शिया। ये जो 90 से 80 तक में ये कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, ये वाला भाई साहब आपका इनर्शिया का मोशन है, और ये वाला भाई साहब ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। ठीक है, 0 से 90 तक, ठीक है, ये वाला जो मोशन है वो भाई साहब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से है, और 90 से 180 तक जो मोशन है वो ड्यू टू इनर्शिया है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो दिस इज हाउ द, अभी भाई साहब 270 पे आ गया। ठीक है, तो टू मतलब ये एक बार घुमा फिर 270 पे, अगेन 270 पे आने से क्या हो गया, ये आपका खत्म हो गया, तो 270 पे आया, अभी आया भाई साहब 360 पे। ठीक है, यहां पे देखो फिर से अभी इनर्शिया की वजह से ये फिर से जाएगा 360 पे, तो 270 से 360 का जो मोशन होगा वो इनर्शिया की वजह से होगा। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वनम पीपलम? ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका 90 to 180, ये हो गया आपका 270 से 360। ठीक है, ओके ओके ओके, सो इन द फर्स्ट हाफ साइकिल करंट फ्लोस इन द आर्मेचर कॉइल एबीसीडी, एबीसीडी में फ्लो हो रहा है, आर्म्स ए बी एंड सी डी एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है, तो आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी फाउंड यूजिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, आपका लेफ्ट हैंड रूल, आर्म ए बी मूव्स डाउनवर्ड्स एंड सी डी मूव्स अपवर्ड। तो ए बी भाई साहब क्या हो जाएगा, देखो ए बी में ये डाउनवर्ड मूव करेगा और ये भाई साहब अपवर्ड। देखो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, वेयर इज द मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में है, और आपका करंट किस डायरेक्शन में है, ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे जा रहा है, देखो दिस करंट इज मूविंग लाइक दिस, तो यहाँ पे फोर्स कैसे जाएगा, ऐसे हाथ मत तोड़ लेना। ठीक है, तो आपका देखो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये आपका बेसिकली करंट है, तो फोर्स किसकी तरफ है, इस तरफ, तो ये नीचे की तरफ जाएगा। इसका देखिए वैसे यहाँ पे आपका करंट कैसे आ रहा है, ऐसे, तो करंट का डायरेक्शन क्या है, इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और फोर्स इधर, तो आपका इस तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये ऐसे घूमेगा। ठीक है, आर्म ए बी मूव्स डाउनवर्ड एंड सी डी मूव्स अपवर्ड। ठीक है, द आर्मेचर कॉइल रोटेट्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट होगा। ठीक है, ओके, सो जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ, इन द नेक्स्ट हाफ साइकिल आर्म्स ए बी एंड सी डी एक्सचेंज देयर पोजीशंस एंड करंट फ्लोज इन द आर्मेचर कॉइल अलॉन्ग डी सी बी ए, तो डी सी बी ए में फॉर्म होगा, आर्म सी डी मूव्स डाउनवर्ड एंड ए बी मूव्स अपवर्ड, तो सी डी मूव्स डाउनवर्ड एंड ए बी मूव्स अपवर्ड, द आर्मेचर कॉइल कंटिन्यूज टू रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये भाई साहब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होता रहेगा,
द स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट एवरी हाफ साइकिल। तो ये आपका स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर है, इट रिवर्सेस द डायरेक्शन एवरी हाफ साइकिल। ठीक है, गैल्वेनोमीटर है भाई साहब, गैल्वेनोमीटर इज अ सिंपली अ मोटर विद अ नीडल। तो ये आपका एक मोटर है विद अ नीडल। ठीक है, आपका गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर इज बेसिकली यूज्ड टू मेजर द डायरेक्शन ऑफ करंट। गैल्वेनोमीटर में हम सिर्फ डायरेक्शन ऑफ करंट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ओनली डायरेक्शन ऑफ करंट कैन बी मेजर्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट कैन बी मेजर्ड। यहां पे करंट कितने का है वो नहीं मेजर कर सकते, अगर करंट कितना फ्लो हो रहा है ये मेजर करना है तो हमको अमीटर यूज करना पड़ेगा, वी विल हैव टू यूज अमीटर। अमीटर आपको बताएगा कितना करंट जा रहा है, गैल्वेनोमीटर सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो अभी आप यहां से डायरेक्शन पकड़िए और घर जाइए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।